नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। थाना मलहीपुर के अंतर्गत युवक की हुई हत्या का खुलासा, श्रावस्ती पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या में शामिल तीन अभियुक्त गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में दिनांक 6 फरवरी 2020 को वकील सिंह पुत्र मुन्नू सिंह बंजारा ग्राम तेंदुआ बराफ थाना मलहीपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक को बताया कि मेरे भाई कंधई पुत्र मुन्नू सिंह का शव प्राथमिक विद्यालय के पूर्व सुंदर सिंह के खेत के सामने रास्ते पर पड़ा है और उसके सिर व चेहरे पर काफी चोट के निशान गए। मुझे आशंका है कि किसी के द्वारा हत्या कर शव को रास्ते पर डाल दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना मलहीपुर प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल के साथ घटनास्थल तेंदुआ बराव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने ले लिया है तथा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस अधीक्षक श्री अनूप सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल पर मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण में तत्काल अनावरण करने व हत्या में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री बीसी दुबे, क्षेत्राधिकारी जमनोहा श्री हौसला प्रसाद के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच व थाना मलहीपुर प्रभारी मय पुलिस संयुक्त टीम को लगाया गया था, जिनके अथक प्रयास से आज दिनांक 12 फरवरी 2020 को मुखबिर के जरिए खास सूचना मिली कि उक्त घटना में शामिल अभियुक्त गण नासिरगंज चौराहे पर खड़े हैं। इस सूचना पर तत्काल बताए गए स्थान पर संयुक्त पुलिस टीम के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर हत्या में शामिल अभियुक्त गण राजेश पुत्र धनीराम, श्रीमती मुनकी देवी पत्नी राजेश, निवासी गण बालक रामपुर व मौजा रामपुर बस्ती थाना मलहीपुर जनपद श्रावस्ती तथा भीकू पुत्र लेखराम निरीक्षक तेंदुआ बराव थाना मलहीपुर जनपद श्रावस्ती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किए तथा उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया। श्रावस्ती से दरन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, 6 फरवरी को तेंदुआ बराज जो कि मल्लीपुर में एक गांव है, वहां पे एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। जब सभी लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो बात प्रकाश में आई कि यह किसी व्यक्ति ने जो है इसके सिर पे वार करके इसकी हत्या कर दी है। घटना के अनावरण के लिए तुरंत जो है मल्लीपुर थाना और क्षेत्राधिकारी मल्लीपुर, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच और प्रभारी क्राइम ब्रांच जो हमारे क्षेत्राधिकारी है उनके नेतृत्व में टीमें लगाई गई, जो इसमें हम लोगों ने अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जो कि उसके बगल के गांव में एक बालक राम पुरवा है, वहां का एक भिखू है, उसका पुत्र राजेश है और उसकी पत्नी जो है मुनकी देवी है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयुक्त जो असलहा था जिसके द्वारा जो है उसके सिर पर चोट लगा के हत्या की गई थी, उस असलहे को एक बार बरामद किया गया है। घटना के समय अभियुक्त ने जो कपड़े पहने थे उसको भी हमने बरामद किया है। पूछने पर जो उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया, ये बताया कि जो मृतक है ये राजेश की वाइफ को, जो कि हमारा एक अभियुक्त है, उसके साथ जो है एक तरफा प्यार करता था, उससे परेशान करता था। इस पर जो है इस मुनकी देवी द्वारा अपने पति को फोन करके, जो कि दिल्ली में काम करता था, उसको बुलवाया गया और इन लोगों ने जो है एक साजिश के तहत फोन करके मुनकी देवी ने उस मृतक को एक गांव के बाहर जो खेत है वहां बुलवाया। 2 लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे, जब वो आ गया तो 3 लोगों ने जो है उसको घेर कर जो है उसके सिर पर वार करके जो है उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात मृतक जो है पुनः दिल्ली वापस चला गया। तमाम कोशिशों के बाद और जो है कड़ी मेहनत से जो है पुलिस ने जो है इस घटना का अनावरण किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके लिए जो है हम लोग इनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं।